हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम जानेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, उसके डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखते हैं हम लोग क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स। जो है ये कॉमन सब्जेक्ट है फॉर मैकेनिकल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, मतलब इंजीनियरिंग के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ फ्लूइड, फ्लूइड होता क्या है। ओके, सो हम लोग आज यहाँ पे बेसिक स्टार्ट करेंगे फ्लूइड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड, हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है फ्लूइड का। तो क्या है फ्लूइड, क्या है फ्लूइड? इज अ सब्सटेंट विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। मतलब क्या है फ्लूइड, क्या है? एक सब्सटेंट है जो कि कैपेबल है फ्लो करने के लिए, कैपेबल होता है। और क्या दिया है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंट विच डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू अ एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स। क्या है फ्लूइड? ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिफॉर्म होता है कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स। के ऊपर आए तभी योग है इसका टेक्निकल डेफिनेशन। और हम आगे देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरा, देखिए पहला वन, इट हैज नो डिफिनिट शेप ऑफ इट्स ओन बट कन्फर्म द शेप ऑफ द फॉलोइंग कंटेनिंग वेसल। मतलब इसका खुद का कोई शेप नहीं है, ये जिसमें आप इसको डालोगे उसका ये शेप ले लेगा। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ लिक्विड फ्लूइड विल कॉज इट टू अंडरगो अ डिफॉर्मेशन विच कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज फोर्स कंटिन्यू टू बी अप्लाइड। मतलब ये ऐसा, अगर छोटा अमाउंट का भी मैंने शेयर फोर्स के ऊपर अप्लाई किया तो क्या होगा, ये कंटिन्यूसली क्या होगा, फ्लो होते रहेगा जब तक कि उसके ऊपर हम लोग फोर्स को हटाएंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, हम लोग दिखते हैं डायग्राम में क्या दिया हुआ है। देखिए, सो लेट्स सी, ये देखिए डायग्राम आपके पास है, वाटर फ्लोइंग ओवर ए सरफेस। अगर एक टैब लिया मैंने, जैसे आप मेरे घर का बाथरूम का वॉशरूम का एक टैब मैंने ओपन किया तो क्या होगा, पानी वहां से गिरेगा और फ्लो होगा फ्लोर के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, वाटर जो है फ्लो हो रहा है ऑन अ सरफेस के ऊपर। सिमिलर हमने क्या किया, एक ऑयल लिया, ऑयल को क्या किया हमने, फ्लो करा है कहां से, पाइप में से। तो क्या होगा, फ्लो ऑफ द ऑयल क्या करेगा, वो इट विल टेक अ शेप ऑफ द ट्यूब। उसी तरह क्या है हमारे पास, वी हैव एयर जो है फ्लो हो रहा है टू द ओपन एटमोस्फेयर। क्या हो रहा है, ओपन एटमोस्फेयर में क्या हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, तो इट टेक्स अ शेप ऑफ द एटमोस्फेयर का शेप उसका एरिया। तो ये है अपने टाइप ऑफ फ्लूइड, मतलब टाइप ऑफ फ्लूइड इन द सेंस डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो इसका इन शॉर्ट क्या हुआ, जो फ्लूइड जो है, देखिए फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड माइट बी लिक्विड और फ्लूइड माइट बी द एयर। ओके, एयर भी और लिक्विड भी, दोनों क्या है फ्लूइड के कैटेगरीज में आता है। फ्लूइड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड, एयर भी कम्स अंदर द फ्लूइड। तो देखिए जैसे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे एयर, ये क्या है, तीनों फ्लूइड के टाइप है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं डिफरेंस बिटवीन द, अभी यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे मेन जो डिफरेंस यहाँ पे आएगा, द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एंड फ्लूइड में डिफरेंस क्या है। ओके, सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन, साइंटिफिक वे से क्या दिया है, इट इज द इफेक्ट ऑफ शेयर फोर्स विच डिस्टिंग्विश द फ्लूइड फ्रॉम द सॉलिड। क्या कर रहा है, देखिए ये जो है क्या है, शेयर फोर्स का जो इफेक्ट है वही बता सकता है कि फ्लूइड और सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे मेजर रोल क्या प्ले करता है, शेयर मतलब फ्लूइड में शेयर फोर्स जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। इफ अ सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू अ शेयर फोर्स, इट हैज टेंडेंसी टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन एंड ऑन बीइंग डिफॉर्म विद इन अ इलास्टिक लिमिट इट हैज टेंडेंसी टू रिगेन इट्स इनिशियल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द अप्लाइड शेयर फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब क्या दिया है, सॉलिड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, अगर मैंने उसके ऊपर से थोड़ा भी शेयर फोर्स अप्लाई किया तो उसका टेंडेंसी क्या है, वो उसका ओरिजिनल शेप जो है वो प्राप्त कर लेगा वापस, अगर मैंने उसको इलास्टिक लिमिट के अंदर उसको मैंने शेयर फोर्स अप्लाई किया होगा, राइट है। तो ये आफ्टर रिमूवल ऑफ द शेयर फोर्स इसका प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का। उसी तरह अदर हैंड वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, ऑन द अदर हैंड फ्लूइड हैज आर अनेबल टू रेजिस्ट द शेयर फोर्स, ये शेयर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता है, जो कि सॉलिड में क्या करता है वो शेयर फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है। बट फ्लूइड आपका, फ्लूइड मतलब लिक्विड और एयर दोनों के दोनों आपका शेयर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो क्या होता है डिफॉर्म होते कंटिन्यूसली
दैट इज फ्लो होता है आपका एज लॉन्ग एज शियर फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इट डजंट हैव एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स इनिशियल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द अप्लाइड शियर फोर्स इज रिमूव्ड, इंस्टेड इट कम टू द रेस्ट. क्या होता है ऐसा अगर हमने शियर फोर्स निकाल दिया और वापस वो उसकी शेप में आएगा नहीं, क्योंकि जो है वही शेप में वो रहेगा. नाउ इंस्टेड क्या होगा, रुक जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल एक अपने की है अपने पास, ओके वी कैन से वी हैव वन एक रिजर्वायर है जिसमें कि हमने पानी भरा हुआ है, एक वहां पे एक टैब लगाया हमने, ओके ये टैब में से एयर जो है वाटर फ्लो हुआ, वाटर फ्लो हो गया सरफेस पे गिरा, ये शेप में हो गया. पहले इसका शेप कंटेनर का शेप था, यहाँ पे नल से बाहर आया, नल से बाहर आके गिरा यहाँ पे फ्लोर के ऊपर. फ्लोर पे गिरने के बाद क्या हो गया, उसने फ्लोर का शेप ले लिया. और क्या होगा, जब तक नल चालू तब तक उस पर कंटिन्यूस शेयर फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो उसी तरह होता रहेगा. जब तक टैप बंद करेंगे तो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा और जो फ्लूइड जो होगा, जो लिक्विड है, जो पानी है जो गिरा हुआ है फ्लोर के ऊपर, वो एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा. ओके नाउ ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड. अभी थर्ड के अपना फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सॉलिड सफर शियर स्ट्रेन when subjected to the shear forces, whereas the fluid suffer from the rate of shear strain. Okay, ये बहुत ही जो आपको आएगा जो कि हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व तभी इसका आपको यूज होगा. क्या होगा इसमें देखिए, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड सफर फ्रॉम द शियर स्ट्रेन, ये क्या हो रहा है शियर स्ट्रेन से सफर करता है, बट जबकि फ्लूड जो है वो क्या शियर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, क्या होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से ये क्या करता है सफर करता है. ओके ये रहा बेसिक डेफिनेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द फ्लूइड एंड सॉलिड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, हम लोग भी जाते हैं अभी फ्लूइड मैकेनिक्स के पास कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है. ओके लेट्स सी अबाउट द फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखिए क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड साइंस वेर वी कैन स्टडी. क्या है फर्स्ट वन, फिजिकल बिहेवियर. क्या लिखा है, फिजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एंड द गवर्निंग लॉ दिस बिहेवियर. क्या है ये, क्या बोला हमने यहां पे, ये क्या करता है फिजिकल बिहेवियर जो है इसका, फिजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एंड गवर्निंग लॉ ऑफ दिस बिहेवियर, और उसके जो लॉ हो रहे बिहेवियर के वो हम लोग स्टडी करेंगे. एंड द एक्शन फोर्सेस ऑफ द फ्लूइड एंड द रिजल्टिंग फ्लो पैटर्न. और क्या फ्लूइड के ऊपर फोर्स के कितने एक्शन हो रहे और उस एक्शन के कारण उसके रिजल्टिंग फ्लो पैटर्न क्या हो रहे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में. ये दो बेसिक पार्ट होते हैं. अभी यहाँ पे इसको क्या हुआ है, तीन कैटेगराइज पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. पहला है मेरा फ्लूइड स्टैटिक, दूसरा है मेरा फ्लूइड काइनामेटिक्स, तीसरा है मेरा फ्लूइड डायनामिक. ओके एक एक करके हमें स्टडी करेंगे. तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो है फ्लूइड स्टैटिक क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वेयर इन वी स्टडी द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट. हम लोग क्या करेंगे स्टैटिक में, हम लोग स्टडी करेंगे किसका, फ्लूइड के मैकेनिक्स के बारे में जो कि एट द रेस्ट, दैट इज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. इन दिस केस फ्लूइड एलिमेंट आर फ्री फ्रॉम शेयरिंग स्ट्रेसेस. हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो दो लेयर है फ्लूइड के जो दो बेसिकली यहाँ पे जो लेयर आएंगे, से लेयर वन और ये लेयर टू, दोनों में क्या होगा, देयर विल बी नो शेयर स्ट्रेस. यहाँ दोनों के बीच में क्या होगा, देयर विल बी नो शेयर स्ट्रेस नहीं होगा यहाँ पे. ये है हमारा फ्लूइड स्टैटिक के बारे में. अभी देखते हैं हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में. हम जो है फ्लूइड स्टैटिक का अलग टॉपिक है, पूरा डिटेल मॉक पढ़ेंगे. यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके देखिए आगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वेयर वी स्टडी द मोशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट. क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ये भी अगेन फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स है. यहाँ पे लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे द मोशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट, जो फ्लूइड के जो एलिमेंट्स है पार्टिकल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे. कौन कौन से उसमें आएंगे प्रॉपर्टीज मोशन के टाइप, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. क्या विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस और एनर्जी काउजिंग द मोशन, मतलब विदाउट कंसिडरिंग द
फोर्सेस और एनर्जी काउजिंग द मोशन, जो फ्लो हो रहा है जो जा रहा है उस पर हम फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे. ओके ये किसमें आएगा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में आएगा. देन फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या आएगा, इट इज ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स सेम एज स्टेटमेंट वेयर वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्सेस विच आर एक्सर्टेड अपॉन द मूविंग फ्लूइड. मतलब एक मूविंग फ्लूइड है. ओके वी कैन से देयर इज वन मूविंग फ्लूइड, कैन से लोग लेते ब्लू कलर. जैसे कि यहां पे क्या है, यहां पे वी हैव ये फ्लूइड है. ओके ये फ्लूइड का पार्टिकल जो फ्लूइड पैटर्न है. ओके कैन से कोई पाइप में से फ्लो हो रहा है, ये पाइप का बाउंड्री से एग्जांपल, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द पाइप. ये फ्लूइड का पार्टिकल फ्लो हो रहा है से डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट. तो इसमें जो हो रहा है क्या हो रहा है, वेलोसिटी वी बार एक्सेलरेशन ए एंड फोर्स से एफ जो जा रहा है फ्लूइड के ऊपर, जो मूविंग फ्लूइड के ऊपर जो एक्ट हो रहा है उसके हम लोग बिहेवियर, उसके जो गवर्निंग लॉज है हम कहां पढ़ेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे. ओके सो ये हो गया अबाउट द फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में. नाउ इसमें और एक कंसेप्ट आता है, हम लोग देखते हैं क्या कंसेप्ट है यहां पे, कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूम. क्या कंसेप्ट है यहां पे, कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूम, कंसेप्ट ऑफ द कंटिन्यूम. ओके इसका आप लोग पहले देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से इंजीनियरिंग वर्ड में साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं, उसके बाद हम लोग आपको इसको सिंपल वे से मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा. ओके देखिए क्या ये फ्लूइड मैकेनिक जो है, सॉरी कंटिन्यूम जो है कंसेप्ट फ्लूइड का क्या है, फ्लूइड फ्लो पैटर्न प्रॉब्लम एनालाइज जो है, फ्लूइड फ्लो का जो पैटर्न जो है हम लोग उसको एनालाइज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द कंसेप्ट दैट ट्रीट एज अ फ्लूइड एज अ कंटिन्यूअस मीडियम दैट इज ऑल वॉइड्स कैविटीज मैक्रोस्कोपिक व्हिच आर इन द फ्लूइड आर इग्नोर्ड. जैसे कि हम लोग स्ट्रेंथोमीटर में करते हैं कि हमने अज्यूम किया, जैसे कि प्लेट लिया हमने, ये प्लेट जो है हमने बोला कि ये जो है होमोजीनियस है एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल है और उसमें हमने फोर्स अप्लाई की हुई. उसी तरह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक फ्लो है पैटर्न का, जो जो एग्जाम्पल ट्यूब है, ट्यूब में से जो एयर जा रहा है, या फिर जैसे कि रेफ्रिजरेंट हो गया अपना एसी का, फ्रिज का जो फ्लो पैटर्न जो जा रहा है उसमें से, या फिर किसी लाइक एग्जाम्पल कोई आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत सारे ट्यूब्स है, उसमें में हम अलग अलग टाइप के लाइक फ्लो हो रहे लाइक जैसे फ्लूइड, जैसे कि किसी को क्रोसिन बनाना है बच्चे लोग का, या फिर कुछ दवा बनानी है, तो क्या हो रहा है अलग अलग टाइप से अलग अलग हम लोग क्या फ्लो करते हैं वहां से लाइक जो भी लाइक बोल सकते लाइक फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में लाइक क्या होता है इसको, वी कैन से दी लाइक सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस थ्री, लाइक कुछ तो सब्सटेंस जो है उसमें से फ्लो हो रहा है वो हम लोग देखेंगे. तो उसके ऊपर जो हम लोग फोर्स एनालाइज हो रहा है लाइक कितना फोर्स आ रहा है, कहां बेंड हुआ है, क्या हुआ है, तो टाइप के जो कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे वहां पे, तो उसमें क्या बोलेंगे कि ये जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है कहां पे भी कुछ भी होल नहीं है, कैविटी नहीं है, कोई भी एयर बबल नहीं है, पूरा का पूरा जो ट्यूब है पूरा का पूरा ट्यूब जो है भरा हुआ है और जो पार्टिकल्स है फ्लूइड के पूरे एक दूसरे चिपके हुए, ना कि अलग अलग हुए. ये बेसिक मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूम. ओके नेक्स्ट क्या यहां पे आता है, देखिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर ट्रीटेड टू बी सेम. क्या बोला मैंने, फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर ट्रीटेड टू बी सेम एट ऑल पॉइंट्स आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट. ओके जो भी लाइक एक्स में, वाई में, जेड में जितने भी डायरेक्शन है सब डायरेक्शन में फ्लूइड प्रॉपर्टी है सेम ही है, कोई भी वहां पे वेरिएशन नहीं है. उसी तरह कंटिन्यूअस एंड होमोजीनियस फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूम. कंटिन्यूअस एंड होमोजीनियस फ्लूइड मीडियम, क्या बोला मैंने, कंटिन्यूअस एंड होमोजीनियस फ्लूइड मीडियम आर कॉल्ड एज अ कंटिन्यूम बोलते हैं. फ्रॉम द कंटिन्यूम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंटिन्यूम पॉइंट ऑफ व्यू द ओवरऑल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ फ्लूइड कैन बी स्टडीड विदाउट रिगार्ड ऑफ इट्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ओके मतलब फ्रॉम द कंटिन्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलते हैं हम लोग कि उसका जो बिहेवियर जो स्टडी करना है मुझे, जो फ्लू ऐसा फ्लो होगा यहां से जाएगा वहां से आएगा जैसे भी फ्लो होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग द इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बिना इसको रिग्रेट करके और इसको साइड में करके हम लोग स्टडी करेंगे. जैसे कि लाइक कुछ वाटर फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, उसको किसी सिस्टम को पुश करना है लाइक सिलेंडर अरेंजमेंट है या न्यूमेटिक सिस्टम है, जैसे एयर आया यहाँ एयर को कुछ क्या करना है, एक
10 kg का बार है उसको विद द हेल्प ऑफ पिस्टन रॉड पुश करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एयर आने वाला है, जो हम लोग बोलेंगे एयर जो है पूरा का पूरा सॉलिड है, उसमें कुछ भी होल नहीं, एयर गैप नहीं, एयर बबल नहीं, तो उस तरह के मीडियम को स्टडी करने के लिए, मतलब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि फ्लूइड क्या है, इट्स बिहेविंग लाइक अ कंटिन्यूअस मीडियम और होमोजेनियस थ्रू आउट हर एक डायरेक्शन में, यहाँ पे सब जगह पे जो है वो इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके तो इसका एग्जाम्पल एक डायग्राम है मेरे पास एक, तो लेट्स सी देखते हैं क्या डायग्राम है उसका। वी हैव वन डायग्राम, देखिए यहाँ पे डायग्राम, तो यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ मैं ये स्पेस पे। देखिए ये एग्जाम्पल ये एक्चुअल में जो एक ग्लास लिया, ग्लास से पानी भरा मैंने, पानी में अगर वाटर का मॉलिक्यूल देखता हूँ तो कैसे मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग से है, बट समवेयर क्या है गैप गैप है, एयर गैप है, एयर बबल से, ये ऐसा एक्चुअल में होता है। बट मैंने क्या कंसिडर किया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने बोला जो ग्लास है, ग्लास में जो वाटर है वो सबके सब मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है पूरे एक दूसरे से अटैच है, कहां पे भी कुछ भी गैप नहीं है, एयर बबल नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इट्स कॉल्ड एज अ कंटिन्यूम सिस्टम। तो ये हो गया बेसिकली आपका कंटिन्यूम सिस्टम, क्लियर यहां पे सबको। ओके सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभी क्या आएगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे न्यू टॉपिक आया मेरा तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। नाउ यहाँ पे जो है सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मेरी मास डेंसिटी, क्या यहाँ पे मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास, क्या यहाँ पे मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। तो देखिए मास डेंसिटी क्या होता है, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, क्या लिखा इसको कॉल्ड एज अ रो, इसको क्या बोलते हैं रो, जो इसका जो सिंबल है मास डेंसिटी का, द सिंबल ऑफ द मास डेंसिटी इज रो, आर एच ओ रो, रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे ये आपका ऊपर मास, ये नीचे वॉल्यूम, ये जो ऊपर डॉट लगा है मास फ्लो रेट, V मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके ऑल्सो वी कैन कॉल्ड एज अ वॉल्यूम फ्लो रेट एज अ Q डिस्चार्ज। ओके इसका भी क्या होगा मास का, मास होगा M kg में, देखिए यहां पे लिखा है मास kg में, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो यूनिट ऑफ रो क्या होगा, द यूनिट ऑफ रो विल बी मीटर क्यूब पर kg। ओके ये होता है डेंसिटी का यूनिट। ओके और मास डेंसिटी यूनिट सेम उसी तरह से डॉट जो लगा है वो क्या होता है, इट्स द इंडिकेशन ऑफ द फ्लो रेट, डॉट का मतलब होता है फ्लो, मतलब आपका जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, ये सिंगल एम मास और ये क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, जैसे ट्यूब में फ्लो हो रहा है। अगर मैंने अगर बीकर लिया एग्जांपल है, मैंने अगर एक बीकर लिया, बीकर में मैंने क्या किया वाटर ऐड किया, ओके वाटर ऐड किया, तो इट विल बी द ओनली मास, क्या होगा दिस विल बी द ओनली मास। अगर यही बीकर से मैंने यहां पे क्या किया एक होल कर दिया यहां पे, तो यहां से क्या होगा एयर फ्लो होगा, तो वो टाइम पे क्या होगा जब एयर फ्लो होता है तो इट विल कॉल्ड एज अ फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, तो एम डॉट आता है, तो वो केस में यूनिट होता है इसका केजी पर सेकेंड, क्या होता है यूनिट केजी पर सेकेंड। उसी तरह ये वॉल्यूम होगा, अगर ये बीकर है, बीकर का अगर वॉटर है, वॉटर का अगर वॉल्यूम V है, अगर वॉल्यूम को मुझे फ्लो करना है तो क्या होगा वो वॉल्यूम फ्लो रेट, तो यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब फ्लो रेट के लिए पर सेकेंड। उसी तरह क्या होता है एज वी नो डिस्चार्ज जो होता है वो क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वॉल्यूम फ्लो रेट बोलो या फिर सो डिस्चार्ज बोलो। ओके ये रहा आपका ये कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो अगर मैंने बीकर लिया तो वॉल्यूम क्या होगा उसका बढ़ेगा, हेंस द मास डेंसिटी क्या होता है कम होता है। इन द केस ऑफ फ्लूइड एज अ प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे ही एज इन केस ऑफ फ्लूइड में क्या होता है एज अ प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर जैसे बढ़ता है वॉल्यूम क्या होता है कम होते जाता है, हेंस मास डेंसिटी क्या होता है बढ़ते जाता है। ओके इसका एक हम लोग देखते हैं डायग्राम के रूप में कैसे इसको देखेंगे। सो वी कैन हैव वन डायग्राम हियर, से एग्जाम्पल ये ग्लास है, ग्लास में पानी भरा, पानी का जो मास है कितना है वो m है, पानी का जो मास है इज कॉल्ड एज m, दिस इज द m मास, यूनिट विल बी इन kg
मास होता है केजी में, उसी तरह इसका पूरा वॉल्यूम कितना हुआ, जितना भरा हुआ है वो इट्स कॉल्ड द वी, वी शुड बी इन मीटर क्यूब इन टू फॉलो द एसआई यूनिट। डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। तो ये होगा इसका यूनिट, क्या होगा डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम यूनिट मीटर क्यूब पर केजी। ओके क्लियर आपको यहां पे ना। उसी तरह यहां पे क्या दिया है, देखिए वेट डेंसिटी क्या दिया यहां पे, दिया आपको यहां पे नया टर्म दिया है वेट डेंसिटी, क्या दिया है वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। क्या होगा वेट डेंसिटी क्या होगा, सेम होता है जैसे डेंसिटी लिखा था वैसे यहां पे वेट आएगा, यहां पे मास था, मास की जगह क्या आएगा यहां पे मास क्या हो जाएगा, मास विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यूटन। ओके फोर्स की तरह आएगा, तो इससे मुझे पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एज वी नो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। क्या होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्या होगा वेट डेंसिटी जो होगा आपका वेट डेंसिटी इज कॉल्ड गामा, क्या बोलते हैं हम लोग वेट डेंसिटी का यूनिट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं गामा, दिस टर्म इज कॉल्ड गामा, गामा इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। जैसे कि हमारा इसमें डेंसिटी में क्या था मास अपॉन वॉल्यूम, इसी तरह वेट डेंसिटी में क्या आएगा वेट डिवाइड बाय द वॉल्यूम, वेट होगा किसमें आपका वेट विल बी न्यूटन, वॉल्यूम क्या उसमें होगा मेरा मीटर क्यूब में होगा। तो यूनिट क्या होगा इसका गामा इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी द यूनिट, और फॉर्मूला क्या होगा वेट डिवाइड बाय द वॉल्यूम। अभी देखो दोनों में टर्म्स कॉमन है तो हम लोग वी हैव द रिलेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं रिलेशन बना सकते हैं किसके बीच में मास डेंसिटी एंड द वेट डेंसिटी के बीच में। तो देखिए अगर आप यहां पे देखो ध्यान से, वो अगर आप देखते ध्यान से यहां पे कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैंने गामा ऐसा लिखा गामा इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके इसको ब्रैकेट कर दिया और यहां पे इनटू जी तो था इसका यहां पे, तो ये क्या होता है दिस, ये क्या होगा रो। ओके तो क्या हो गया गामा इज इक्वल टू रो इनटू जी, तो ये हो गया रिलेशन। तो वेट डेंसिटी क्या होगा वेट डेंसिटी इक्वल टू रो इनटू जी, इसका यूनिट क्या होता है यूनिट होगा इसका न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके उसी तरह यहां पे लिखा है सेम स्टेटमेंट है वेट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड हेंस स्पेसिफिक वेट डिक्रीजेस, उसी तरह नेक्स्ट है मेरा विद द इंक्रीज इन प्रेशर वॉल्यूम क्या वॉल्यूम डिक्रीजेस हेंस द स्पेसिफिक वेट इंक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट टाइम यहां पे मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मेरा नेक्स्ट टाइम यहां पे द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके देखते स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है और रिलेटिव डेंसिटी। अगर हमें देखिए एग्जांपल, हमें अगर किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी पता करना है तो हमें उस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए या फिर उसका रिलेटिव डेंसिटी जो दोनों कॉमन टर्म है वो मुझे पता होना चाहिए। देखते हम लोग जो है वेट डेंसिटी को डिनोट करते हैं बाय द साइन एस और समटाइम दे कॉल्ड एज अ सॉरी समटाइम दे कॉल्ड एज अ एस जी स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या होता है इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी और वेट डेंसिटी, डेंसिटी या फिर वेट डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, क्या डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड रो डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइड बाय द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखिए यहां पे स्टेटमेंट दिया है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर से एग्जांपल मुझे डेंसिटी फाइंड करना है ऑफ ऑयल ए का, क्या फाइंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ द ऑयल ए का, तो यहां पे फॉर्मूला आएगा एस ऑफ ऑयल इज इक्वल टू गामा ऑफ ऑयल ए डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है मेरा वाटर इक्वल टू वाटर। तो मुझे ये जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ऑयल ए का पता होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से अगर मुझे ये पता है इसका डेंसिटी से एग्जांपल 0.8 है, ओके
और इसको यूनिट नहीं होता, बिकॉज देखिए रो डिवाइड बाय रो क्या होगा कॉमन कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके न्यूटन पर मीटर क्यूब डेंसिटी के यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट नहीं होता है, से एग्जांपल ऑयल ए का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8 है, तो गामा ऑफ ऑयल ए या रो ऑफ ऑयल ए डिवाइड बाय सॉरी रो ऑफ वाटर क्या होगा, रो ऑफ वाटर जो होता है वो होता है आपका 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके ये वेट डेंसिटी में होता है। तो आपको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको रो ऑफ ऑयल ए मिल जाएगा, दैट इज द वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आपको मिल जाएगा, ओके तो देखिए हम लोग यहां पे डायग्राम है मेरे पास, देखिए विद हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ व्हाट वाटर। देखिए अगर मैंने ग्लास लिया, ग्लास में मैंने क्या किया वाटर डाला और वाटर के ऊपर मैंने ऑयल डाला, क्या होता है ऑयल क्या होता है अगर डेंसिटी कम है उसका ऑयल का तो क्या होगा ऊपर वो फ्लोट होगा, किसके ऊपर वाटर के ऊपर क्या होगा वो फ्लोट होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ऑफ ऑयल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। और ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ये डायमेंशन लेस यूनिट है, बिकॉज रो डिवाइड बाय रो और गामा डिवाइड बाय गामा क्या होता है दोनों सेम यूनिट, तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा ये। इसे मैंने आपको बताया कि एस इक्वल टू गामा ऑफ स्टैंडर्ड, अगर ये से एग्जांपल ऑयल ए का, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे पता है ऑयल ए का, ऑयल ए अगर है यहां पे ऑयल ए तो ये मुझे क्या इसका मिलेगा गामा ऑफ ए का ही मिलेगा मुझे, ओके और वी नो द रिलेशन गामा इक्वल टू एस इंटू गामा ऑफ स्टैंडर्ड, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना तो मास डेंसिटी जो है मास डेंसिटी ऑर्डर कितना होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ओके मास दैट इज रो इज इक्वल टू कितना होगा वाटर का 1000 दैट इज ऑफ वाटर कितना होगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर मुझे वेट क्या निकालना है वेट डेंसिटी निकालना है, ओके वेट डेंसिटी दैट इज रो ऑफ वाटर, तो क्या होगा फॉर्मूला रो ऑफ वाटर डब्ल्यू इंटू जी, तो ये कितना आपके पास ये 1000 इंटू 9.81 तो क्या होगा ये 9810 यूनिट क्या आएगा इसका, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी द यूनिट इसका। समझ गया आपको ये वेट डेंसिटी और डेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इसमें ही आगे विस्कोसिटी, क्या टॉपिक है मेरा विस्कोसिटी। अभी सिंगल विस्कस चिपचिपा जैसे मैंने ऑयल बाल में तेल लगाया क्या हो रहा है चिपचिपा हो रहा है, पानी लगा क्या होगा पतला रहे हो इसी पूछा निकल जाएगा, बट ऑयल लगा क्या होगा कितना भी रगड़ो सर को ओके क्या होगा निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये होता है बेसिक डिफरेंस विस्कोसिटी का। देखिए इन सिंपल वर्ड विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, क्या करता है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्या करता है ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है इन शॉर्ट में। तो देखिए हमारे पास यहां पे डायग्राम है इसके लिए, एक बीकर मैंने हनी लिया और एक बीकर में मैंने वाटर लिया, दोनों में होल के नीचे से तो हनी के आराम से टप 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 टपकेगा, वाटर क्या होगा फर से नीचे गिर जाएगा, तो क्या होगा वाटर का विस्कोसिटी कम होगा हनी का क्या होगा ज्यादा होगा, ओके ये कंसेप्ट है इसका। नाउ अब ये देखिए चार मार्क के लिए हम लोग को पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ओके और सम टाइम बोलते हैं कि डिराइव करो विस्कोसिटी, ओके विस्कोसिटी और वी कैन से द शियर स्ट्रेस। ओके देखते हैं हम लोग, कंसिडर टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय द ऑयल फिल्म ऑफ थिकनेस एच, से एग्जांपल मैंने यहां पे दो प्लेट लिया, देखिए यहां पे एक प्लेट वन ओके एक प्लेट वन यहां पे मेरा है दूसरा प्लेट प्लेट टू और वहां पे क्या है दोनों क्या है फ्लूइड का लेयर है, यहां पे फ्लूइड है से एग्जांपल ये जीरो बोला मैंने ये
इसको अगर मैंने टू डायरेक्शन लिया, ये डायरेक्शन वाई, ये डायरेक्शन एक्स में, अगर यहां पे जीरो रेफरेंस पकड़ा मैंने वाई जीरो, और यहां पे से एग्जांपल वेलोसिटी बोला, यहां पे क्या है स्ट्राइक हो रहा है, यहां पे आगे होगा जीरो, यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं होगा जीरो यहां पे, और अपर लेयर पे क्या होगा वेलोसिटी होगा वी पर। अगर मैंने दो प्लेट लिया, दो प्लेट में से एक प्लेट को बोला स्टेशनरी है और दूसरा प्लेट प्लेट क्या हो रहा है मूव हो रहा है, ओके, लेट द अपर प्लेट विल बी पुल्ड बाय फोर्स एफ। अगर मैंने अपर प्लेट को क्या किया पुल किया बाय फोर्स एफ, अगर उसको मैं क्या कर रहा हूं बाय द फोर्स एफ, फोर्स एफ से क्या कर रहा हूं मैं इसको पुल कर रहा हूं, ओके, फोर्स एफ से मैं इसको क्या कर रहा हूं पुल कर रहा हूं, यहां से फोर्स लगाया मैंने, से मैं इसको पुल कर रहा हूं, विच इंपार्ट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी बार। क्या कर रहा है वो, इसके ऊपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी कर रहा है वी बार इंप्लीमेंट कर रहा है, ओके, रिलेटिव टू द लोअर प्लेट। क्या रिलेटिव टू द लोअर प्लेट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्लूइड विल बी सब्जेक्टेड टू शेयरिंग। क्या होगा फ्लूइड जो क्या होगा शेयरिंग है, इसे एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है मूव हो रहा है, एक फिक्स है और एक ऐसा आगे जा रहा है, इसको मैंने फोर्स एफ लगाया, तो क्या हो रहा है इसके बीच में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है शेयरिंग हो रहा है, एंड द वेलोसिटी ऑफ अलग अलग लेयर पे क्या रहा है वेलोसिटी आ रहा है, हैज बीन शोन इन अ प्रोफाइल में, इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर आप देखेंगे यहां पर एक प्लेट है और एक प्लेट है और ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और यहां पे वेलोसिटी कितना है मेरा मैक्सिमम यहां पे से वी बार है और यहां पे जीरो है क्योंकि स्टेशनरी है यहां पे ये, तो क्या हो रहा है यहां पे वेलोसिटी प्रोफाइल हो रहा है यहां पे जीरो और यहां पे मैक्सिमम, तो इस तरह से एक लेयर बन रहा है, इस तरह से ये यहां पे लेयर बन रहा है। इसका हाइट कितना है यहां पे, यहां पे इसका हाइट है मेरा ये एच फ्लूइड कॉल्ड एच, एच इज कॉल्ड विल बी द थिकनेस, क्या बोल सकते हम लोग थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म, क्या बोल सकते हैं थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म, राइट है, ये समझा आपको वेलोसिटी प्रोफाइल निकला। नाउ द गवर्निंग फिनोमिना ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी विच स्टेट दैट, जो गवर्निंग है फिनोमिना है जो विस्कोसिटी का, किसने बनाया न्यूटन ने बना। अभी बोलोगे अरे यार वापस न्यूटन आ गए भाई, न्यूटन सॉलिड में थे अब फ्लूइड भी आ गए, हाँ भाई न्यूटन यहां पे भी आए हैं, तो देखते हैं न्यूटन क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं न्यूटन हमें यहां पे, शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड ड्यू टू विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो। ओके भाई क्या बोला समझा नहीं मुझे, तो मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ भाई ने क्या बोला है न्यूटन ने, न्यूटन भैया ने हमें क्या बताया, देखिए न्यूटन भैया क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस जो आ रहा है, शियर स्ट्रेस इन फ्लूइड ड्यू टू विस्कोसिटी, जिसे हमने बताया कि दो लेयर है, एक लेयर ये लेयर है यहां पे, एक जो प्लेट है और एक और प्लेट है, दोनों के इसमें क्या है फ्लूइड का लेयर है ऑयल का लेयर है, इसमें से एक प्लेट क्या है फिक्स्ड है एक प्लेट क्या है मूविंग है, तो उसके वजह से क्या हो गया यहाँ पे एक वेलोसिटी प्रोफाइल आया, जहां पे बता रहा है कि एट द बॉटम क्या आ रहा है यहाँ पे, एट द बॉटम यहाँ पे जीरो, एट द टॉप यहाँ पे है वेलोसिटी वी बार, तो इस तरह से प्रोफाइल बना है। तो क्या बोलते हैं इसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज टाउ, शियर स्ट्रेस आ रहा है, और वो शियर स्ट्रेस क्या है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, किसके वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट डीयू डिवाइड बाय डीवाई, मतलब एक डीयू मतलब क्या है छोटे से एलिमेंट का, एक छोटे से एलिमेंट का वेलोसिटी पार्टिकल और उसका ही हाइट मतलब वाई डीवाई, समझा आपको क्या बोल रहा हूं, और कहां पे देखिए अगेन बोलता हूं, शेयर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड दैट टाउ ई टू द इज ड्यू टू विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो परपेंडिकुलर टू इट। अभी फ्लूइड फ्लो का ये जो है ये क्या है आपका फ्लो का डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर
क्या आ रहा है, फ्लो, उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब ये फ्लो के परपेंडिकुलर में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है वो, अब इस फ्लो के परपेंडिकुलर में ये आ रहा है मेरा वेलोसिटी डायग्राम, क्या आ रहा है मेरा ये वेलोसिटी डायग्राम आ रहा है, तो इसका ग्रेडियंट कैसा होगा, एक पार्टिकल लूंगा मैं, वो पार्टिकल का वेलोसिटी du और वो उसके अलोंग परपेंडिकुलर मतलब वाई डायरेक्शन में, दैट इज डिवाइड बाय dy, ये होता है मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो क्या होगा, tau विल बी, tau इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ द, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर फ्लो, दैट इज du बाय dy, और इसका जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होगा वो क्या होगा, म्यू, म्यू क्या बोलते हैं लोग, डायनामिक विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी, क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और सिंपली द विस्कोसिटी। तो यहां से आया है आपका विस्कोसिटी, तो किसने इसको लाया है, न्यूटन भैया ने इसको लाया है। न्यूटन भैया क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस जो होता है फ्लूइड फ्लो में, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, ओके, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो, और उसका जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं उसको, म्यू बोलते हैं उसको, ओके, म्यू मतलब क्या होता है, म्यू इज कॉल्ड एज द डायनामिक, क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी, ओके। तो du by dy क्या हो गया, यहाँ पे du by dy हो गया मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी टेक्निकल डिफिनेशन क्या होगा विस्कोसिटी का, देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू क्या होगा, टाउ, देखिए यहाँ पे म्यू यहाँ पे रखा, ये टर्म को यहाँ पे से उठाया मैंने, इसको यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, टाउ डिवाइड बाय du डिवाइड बाय dy, राइट है। तो ये हो गया आपका म्यू, क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस पर यूनिट और शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इन वी कैन से शियर स्ट्रेस पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर फ्लो, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर फ्लो, मतलब ये डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है, एग्जाम्पल देखिए, अगर ये डायरेक्शन फ्लो हो रहा है अलोंग लेफ्ट टू राइट, तो ये होगा इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट ये लाइन में, अगर ऐसा फ्लो हो रहा है वर्टिकल में, तो ये होगा मेरा ये लाइन में वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो क्या होगा वो dv डिवाइड बाय dx, क्लियर यहां पे ना। अभी इसका यूनिट क्या होता है, देखिए इन शॉर्ट सिंपल में इसका यूनिट होगा, अगर यहां पुट करोगे आप म्यू का यूनिट ये सब यूनिट, तो आपको मिलेगा क्या, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है म्यू जो होता है विस्कोसिटी, दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल सेकेंड भी हम लोग बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं पास्कल सेकेंड, कैसा था पास्कल सेकेंड, देखिए न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग बोलते हैं इसको पास्कल भैया, क्या बोलते हैं पास्कल, बचा हुआ सेकेंड, ये होता है पास्कल सेकेंड, ओके, ऐसा यूनिट में, सीजीएस यूनिट में इसको बोलते हैं, ओके, क्या बोलते हैं इसको पॉइस, क्या बोलते हैं इसको पॉइस, देखिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग पॉइस, अल्सो हम लोग म्यू को जो बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, क्या बोल सकते हैं हम इसको केजी मीटर पर सेकेंड, तो इसका देखिए कितना यूनिट लिख रहा है, एक तो लिख रहा है न्यूटन, एक लिख रहा है मेरा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और एक लिख रहा है मेरा केजी मीटर पर सेकेंड, ओके, और एक पास्कल, पास्कल सेकेंड, ये भी मेरा यूनिट लिख रहा है, और अल्सो सीजीएस में क्या होता है इसको बोलते हैं पॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं पॉइस, और वन पॉइस जो होता है वन पॉइस इक्वल टू वन अपॉन टेन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है वन पॉइस इक्वल टू वन पॉइस इक्वल टू वन अपॉन टेन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, उसी तरह से वन सेंटीपॉइस क्या होता है वन अपॉन यहां पर देखिए वन सेंटीपॉइस इक्वल टू वन अपॉन हंड्रेड पॉइस, मतलब वन पॉइस इक्वल टू हंड्रेड सेंटीपॉइस, वन पॉइस इक्वल टू हंड्रेड सेंटीपॉइस होता है ना। अब इसके बाद मेरा दूसरा टर्म है मेरा काइनामेटिक विस्कोसिटी, क्या टर्म मेरा काइनामेटिक विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं न्यू, इस तरह से टर्म आता है, ओके,
इस तरह से इट्स कॉल्ड एज अ न्यू प्रोनाउंसिएशन न्यू. इट इज अ रेशियो ऑफ द डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. क्या होता है डायनेमिक विस्कोसिटी और सिंपली विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. देखिए यहां पे अगर मैंने यहां पे कंसिडर किया एक बीकर और एक बीकर में मैंने क्या लिया है हनी लिया है. ओके काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. ओके ये एग्जांपल बीकर है बीकर में हनी है हनी का अगर डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू है और उसी का ही हनी का डेंसिटी रो है तो क्या होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा म्यू डिवाइड बाय रो. ओके क्लियर. इसका यूनिट होता है मेरा इसका यूनिट है मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या है यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है किसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का. काइनेमेटिक विस्कोसिटी को समटाइम बोलते हैं स्टोक्स. क्या बोलते हैं स्टोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज कॉल्ड एज स्टोक वन स्टोक. ओके स्टोक स्ट्रोक नहीं स्टोक. ओके नाउ इसके बाद है मेरे पास 1.27 लिखा है. अभी मैंने क्या लिखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ विस्कस फ्लूइड. ओके ये दो मार्क के लिए अभी चार मार्क के लिए एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं लोग देखते इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड. ओके और गैसेस. तो यहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने एक को बोला लिक्विड और एक को बोला गैसेस. तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लिक्विड. फ्लूइड क्या होता है फ्लूइड फ्लूइड आइदर लिक्विड और आइदर गैस. विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजेसेंट लेयर. क्या होता है विस्कोसिटी इन अ लिक्विड जो होता है इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडजेसेंट लेयर. जो कोहेसिव फोर्स है ओके चिपकने वाले फोर्स है ओके कोहेसिव होते ऑफ द एडजेसेंट लेयर्स के. टेम्परेचर इंक्रीजेस द कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस एंड विस्कोसिटी डिक्रीजेस. ओके क्या टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है लिक्विड में क्या होता है वो अलग अलग होने की कोशिश करते हैं. तो क्या होता है उससे विस्कोसिटी क्या होता है क्या होता है विस्कोसिटी कम होता है. अलग अलग हो रहे ना भाई चिपक रहे जो थे चिपके रहेंगे तभी तो बढ़ेगी विस्कोसिटी. चिपक नहीं रहे गर्म किया तो क्या हो रहा है अलग हो रहे क्या होगा उसका विस्कोसिटी कम हो जाएगा. और देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस. विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बिटवीन द टू एडजेसेंट लेयर. जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी गैसेस में उसके ऊपर से क्या डिसाइड करते हैं विस्कोसिटी डिस्कस करते हैं. अगर टेम्परेचर बढ़ा है क्या होगा विस्कोसिटी बढ़ जाए क्योंकि जो आराम से बैठे थे पहले मॉलिक्यूल जैसे ही बढ़ा क्या हो गया एकदम हिलने लग जोर से यहां वहां यहां वहां. क्या हो गया उसका विस्कोसिटी बढ़ गया किसका गैसेस का. ओके क्लियर यहां पे. नाउ नेक्स्ट यहां पे मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स. ये भी आता है एग्जाम में कभी कभी बैच द फॉलोइंग में भी आता है यहां पे. तो ये डायग्राम आपको देखना पड़ेगा. लेकिन देखिए ये डायग्राम बेसिकली यहां पे शियर स्ट्रेस. ओके शियर स्ट्रेस वर्सेस क्या लिखे यहां पे शियर स्ट्रेस वर्सेस डीयू बाय डीवाई दैट इज अ वेलोसिटी ग्रेडिएंट की हम लोगों ने कर्व निकाला है. इसको आइडल फ्लूइड इसको बोलते हैं आइडल सॉलिड. अगर ग्रेडिएंट है ही नहीं मतलब कुछ भी यहां पे अगर वेलोसिटी ग्रेडिएंट नहीं है तो क्या होगा पूरा पूरा सॉलिड होगा. अगर वहां पे शियर स्ट्रेस ही नहीं है तो क्या होगा वो आइडल फ्लूइड होगा. ओके देखिए यहां पे नॉन न्यूटन फ्लूइड न्यूटनियन फ्लूइड. अगर मेरा एन इक्वल टू वन है इट्स कॉल्ड न्यूटनियन फ्लूइड. ओके ये डिटेल में आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं. आइडल फ्लूइड क्या होता है अ फ्लूइड विच डू नॉट हैव विस्कोसिटी आर एंड आर इनकंप्रेसिबल. जिसके विस्कोसिटी नहीं जो कि कंप्रेसिव नहीं होता है आर टर्म एज द आइडियल फ्लूइड. ओके जो कि कंप्रेसिव नहीं होगा. देयर इज नो रेजिस्टेंस दैट इज अ ड्रैग फोर्स ऑफर्ड बाय सच फ्लूइड. इन ट्रू सेंस सच फ्लूइड डजंट एग्जिस्ट. मतलब एक्चुअल केस में ऐसा कुछ होगा ही नहीं. फ्लूइड है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो आएगा ही. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ चीज है अपने पास. ओके तो हम लोग ने ऐसा आइडियल फ्लूइड है ही नहीं अपन अपने पास. ओके अभी रियल फ्लूइड हम लोग रियल फ्लूइड में खेलते हैं. A fluid which possesses the viscosity are termed as the real fluid. There is always a drag offered by such fluid. हमेशा कुछ ना कुछ drag होगा वहाँ पे. There are further classified as Newtonian fluid and non-Newtonian fluid. में इसको हम लोग classified करते हैं. The Newtonian fluid क्या होता है? They follow Newton's law of viscosity. That is a linear relationship between the shear stress and rate of angular movement or deformation. हमेशा होता है जैसे कि वाटर केरोसिन एक्सेट्रा एयर.
नॉन न्यूटन फ्लूइड जो कि फॉलो नहीं करते न्यूटन्स लॉ उसको बोलते हैं हम लोग नॉन न्यूटन फ्लूइड, हम लोग इसको बोलते हैं। ओके उसी तरह यहां पे आता है नॉन न्यूटन फ्लूइड में डायल्यूटेड फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ओके उसके बाद यहां पे आता है बकिंगम फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक और ट्राइसोट्रॉपिक फ्लूइड। ओके ये टाइप के फ्लूइड एग्जाम में आते हैं। ओके ये सिंपल थ्योरी आप पढ़ सकते हैं उसको। नाउ मेरे पास जो मेन टॉपिक अभी आ रहा हूं मैं यहां पे, दैट इज अ सरफेस टेंशन। क्या यहां पे सरफेस टेंशन, अभी देखिए इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अपरेंट टेंशन इफेक्ट विच अकर्स एट द इंटरफेरेंस ऑफ द टू इनसिपल फ्लूइड्स। ओके अभी क्या बोला है मुझे भी समझा नहीं, हम लोग आपको इसको एक्सप्लेन कर दें प्रॉपर वे से। सरफेस टेंशन होता क्या है देखिए, सरफेस टेंशन देखिए, ये एग्जांपल मैंने बीकर लिया, बीकर में पानी भर दिया, क्या हो गया पानी भरने का एक लेयर दो लेयर तीन लेयर चार लेयर, तो जी नीचे लेयर है बीच में लेयर जो होगा वहां पे क्या होगा। एग्जांपल यहां पे आपको ड्रॉ करके बताता हूं बेटर होगा। ओके तो सबसे पहले हमें एक बीकर चाहिए, तो एक ब्लैक कलर का हमने यहां पे बीकर बनाया, उसमें हमने क्या डाले मॉलिक्यूल्स डाले, मतलब बॉर्डर से पूरा भर दिया मैंने यहाँ पे उसको बेसिकली भर दिया। ओके ऐसा पूरा एक लाइन से भर दिया। तो एग्जांपल कंसीडर करो एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, उसके ऊपर एक पार्टिकल है, उसके साइड से एक पार्टिकल है, उसके भी साइड से एक पार्टिकल है, इसके भी साइड से एक पार्टिकल है, सब साइड से अरे अगर एक पार्टिकल है इसको पकड़े इसकी इधर ही पार्टिकल है इधर ही पार्टिकल है, क्या हो रहा है जैसे पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है तो पार्टिकल कोई ना कोई दबा रहा है। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे फोर्स डाल रहा है, यहाँ डाल रहा है, यहां डाल रहा है, यहां डाल रहा है, सब जगह वो क्या कर रहा है पार्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट इसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स भी उसके सामने वाले बाजू वाले पार्टिकल से आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है उसका नल इफेक्ट क्या हो रहा है, यहां का जो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो रहा है यहां पे जीरो, मतलब ये पार्टिकल के ऊपर जो ये बाहर फ्लूइड को प्रेशर अप्लाई कर रहा है वही प्रेशर उतना प्रेशर इसके ऊपर भी आ रहा है, तो क्या हो रहा है यहां पे जीरो हो रहा है और यहां पे बैलेंस हो जा रहे हैं। बट जैसे कि अपर लेयर देखेंगे तो अपर लेयर क्या होगा एक बड़ा सा लिक्विड आएगा और वो केस में क्या होगा जो लेयर है टॉप लेयर उसमें हाफ 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 ऐसा हाफ हाफ पार्टिकल बनते रहेंगे यहां पे, जो कि सबके सब नीचे डाउनवर्ड में ही क्या हो रहे हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डाउनवर्ड में ही वो बेसिकली स्टेबल हो रहे हैं, अपवर्ड में वहां पर कोई भी नहीं आ रहा है और वहां पर एक स्ट्रेच लेयर जो है वहां पर क्या हो रहा है स्ट्रेच लेयर स्ट्रेच लेयर एक स्ट्रेच लेयर वहां पे जमा हो रहा है। ओके अगर आप टॉप से देख रहे हैं इसको तो ओके ऐसा एक स्ट्रेच ऐसा एक जाली जैसा बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। उसके ऊपर देखे रहेंगे आपने बार बार कभी कभी मक्खी क्या होते चल के जाती है, अगर मैंने कुछ ऐसा पत्थर लिया फ्लैट वाला उसको फेंका मैंने पानी में तो क्या होता है वो ऊपर ऊपर उड़ के आता है, क्यों उड़ता है ऐसा ये बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अगर कोई बंदा स्विमिंग कर रहा है उसने जंप मारा और जंप मारे टाइम वो बराबर नहीं मार पाया तो क्या होगा छाती भी गिरता है तो उसके ऊपर लाल निशान होता है, क्यों बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, बिकॉज वहां पे लेयर बना हुआ है किसका फ्लूइड्स पार्टिकल्स के। ओके बिकॉज क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो पाए हैं वहां पे और वो पकड़े हुए ऊपर, मतलब वो बंदा नीचे से उसको दबा रहा है भाई ऊपर तू वो रहा नहीं मैं नीचे आ रहा है, तो ऐसे एक लेयर बन गया ऊपर पे क्योंकि वहां पे फोर्स भी बैलेंस नहीं हो पाए वहां पे क्लियरली। ओके समझा आपको ये सरफेस टेंशन क्या होता है। ना उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है मेरा टॉपिक है मेरा एक क्या है कैपिलैरिटी, क्या यहाँ पे टॉपिक न्यू कैपिलैरिटी। इट इज अ फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ स्मॉल डायमीटर ओपनिंग पाइप गवर्न बाय द कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस एंड अ सरफेस टेंशन। क्या है कैपिलैरिटी, इट्स अ फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ स्मॉल डायमीटर ओपनिंग पाइप गवर्न बाय द कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन। ओके देखते हैं हम क्या ये कैपिलैरिटी। ओके देखिए आप एक बीकर लिया मैंने एक ग्लास ट्यूब लिया पानी से भरा हुआ छोटा ट्यूब डाल दिया अंदर, क्या होगा वाटर से छोटा सा बाहर आएगा और बाहर आते ही क्या करेगा वो वहां पे आने के बाद वो एक यहां पे लेयर बना है। एग्जांपल देखिए यहां पे ये ट्यूब है इस तरह से वो लेयर ये अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो ऐसा ये सी बनाया उसने किसमें ये केस में और ऊपर की तरफ मूव हुआ है किसमें ग्लास वाटर में। अगर मैंने यहां पे मर्क्यूरी लिया क्या होगा ये वाटर लेवल अगर लिया कंसिडर किया मैंने
तो ये मर्क्यूरी क्या होगा, नीचे आएगा और वो इस तरह से लेयर बनाएगा, यहां पे ऐसा बनेगा, ये मर्क्यूरी लेवल आएगा, इसको बोलते हैं लोग कैपिलरिटी। क्लियर यहां पे? तो इसके बाद ये फॉर्म बेस, हम ये आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे फॉर्म बेस, और हम लोग यहां पे फिर हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।